हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं मनोना के खाटू श्याम के धाम पे। ओला बरेली ओला और मनोना में पड़ता है, और आज मैं आप लोगों को पूरा भाई यहाँ का लाइव वीडियो यहाँ का सारी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे मेन गेट पे खड़ा हुआ हूँ मनोना के, और धाम है खाटू श्याम का, उसके मैं जस्ट अभी जो बड़ा वाला मेन गेट है उसके सामने खड़ा हूँ। और जो कि काफ़ी सारी मतलब यहाँ से जो बसें वगैरह आती हैं, देख सकते हो ये बस खड़ी हुई हैं, सारी की सारी जो आती हैं बरेली, मतलब बरेली से ज़्यादातर आती हैं यहाँ पे बसें। और आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा अंदर तक, यहाँ से पूरा मंदिर का भाई आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए चलते हैं आपको, अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पे जो है मेन गेट पे, और ये देख सकते हो मनोना का जो बड़ा एकदम बहुत ही ज़्यादा विशाल गेट बना हुआ है, मेन गेट है ये, और यहाँ से जो है एंट्री होती है और यहीं से एग्जिट होता है। तो मैंने आप लोगों ने मेरे सारे जो ब्लॉग देखे हैं उसमें मैं ज़्यादातर अंदर से ही ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। मैंने आज फर्स्ट मेरा ब्लॉग ऐसा है जो मैं यहाँ पे मेन गेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपको पूरा अंदर चल के भाई पूरा व्यू दिखाता हूँ। आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। गाइस, यहाँ से आते ही जैसे ही आप अंदर को एंट्री करोगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले ये देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको श्री बागेश्वर धाम मनोना का। और यहाँ पे मतलब देख सकते हो ये आगे के लिए एंट्री वो कर रहा है, एरो दिखा रहा है, तो हमें आगे जाना होगा। तो गाइज, अभी हम जो मनोना के अंदर आ चुके हैं, जो कि मंदिर के जस्ट पास में खड़े हैं हम, जो कि देख सकते हो ये वाला जो है भाई नया वाला मंदिर है, इसमें अभी काम चल रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हो काम चल रहा है इस वाले मंदिर में, और भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा देख सकते हो डेकोरेट किया गया है, और यहाँ पे काम चल रहा है। थोड़ी देर बाद भाई यहाँ पे दर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मैं आपको हर व्लॉग में अपने मैंने जो कि हर व्लॉग में आपको बताया था कि मतलब यहाँ पे जो भी काम चल रहा था ना सारा मैंने आपको भाई जब भी मैं आया था मैंने सारा आपको ब्लॉग में दिखाया था ये वाला मंदिर। तो आप लोगों को आज मैं पूरा ऊपर से भी जाके दिखाऊंगा, और देख सकते हो भाई मतलब दिवाली का टाइम है, तो आज जो छोटी दिवाली है वहाँ पे देख सकते हो सजावट हो रही है मंदिर की, देख सकते हो लाइट वाइट भाई लगी हुई है पूरी, जो कि रात में बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर व्यू होगा शायद। और मैं आप लोगों को भाई कमेंट कीजिए, मैं रात में भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, आप बस कमेंट में बताइए कि आपको रात में भी रात का ब्लॉग चाहिए तो मैं भाई रात का भी यहाँ का सीन दिखा सकता हूँ पूरा। और भाई अगर आप जहाँ से भी आना चाहो वो भी कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे आया जाता है, मुझे कमेंट करो, मैं जल्दी आपकी कमेंट्स और लाइक से भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और लाइक करके कमेंट जरूर करना भाई, और जय श्री श्याम लिखना। और मैं आपको चलिए दिखाता हूँ पूरा दूसरा वाला जो भाई ये वाला मंदिर देख सकते हो। तो चलिए पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं। चलिए इसमें देख सकते हो पौड़ी जो है पहले छोटी थी और अब जो है बड़ी पौड़ी हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे ये रास्ता बंद कर रखा है, बट मैं निकल जाऊँगा यहाँ से एक साइड से। यहाँ पे देख सकते हो पूरा भाई बहुत ही अच्छा अच्छे तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था पूरा का भाई पूरी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन की गई है। और ये जो है मंदिर का मतलब यहाँ पे जो खाटू श्याम जी की मूर्ति रखी जाएगी, और देख सकते हो भाई हर चीज़ यहाँ पे रियल लग रही है। ये लग रहा है ये प्रिंट है, लेकिन यहाँ पे देखते हो ये लग रहा है डायरेक्ट मतलब ये रखे हुए हैं ये चीज़ें यहाँ पे पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन की हुई है यहाँ पे। और ये भैया जो है यहाँ पे पेंट का जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो। और हम ये आ चुके हैं मतलब जो ये था एंट्री गेट और ये था एक्सिट गेट। तो भाई मतलब यहाँ पे जो आपने देखा होगा यहाँ पे जो है लाइन लगती है जब लोग दर्शन करने के लिए भक्त जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो इनमें बल्लियों में जाके लाइन लगानी पड़ती है। और यहाँ पे भाई जो रहने वाले हैं भाई जो रुकते हैं वो आराम से स्नान वगैरह करते हैं यहाँ पर। तो चलिए आपको पूरा का पूरा भाई और दिखाता है आगे चल के। तो मैं अभी यहाँ से मतलब वहाँ से गया था यहाँ से एक्सिट होगा। ये भाई मेन गेट देख सकते हो, ये मतलब गेट है, इसमें एंट्री करने के लिए इसमें जा सकते हो, जो कि यहाँ पे मतलब जो है लाइन लगती है दोस्तों, यहाँ लाइन लगती है ये देख सकते हो, इसमें मतलब घूम घूम के जाना पड़ता है वहाँ से, मतलब जितनी भाई जितनी ज़्यादा भीड़ होगी ना इसमें सारी की सारी आ जाएगी। और यहाँ से मतलब जो है मतलब इसमें घूमते हुए जाते जाते भाई मतलब ये जो जो हरी हरी जो चटाई की जो दिख रही है गली, इसी से होते हुए जाते हैं डायरेक्ट उस वाले मंदिर में और दर्शन होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ने यहाँ पे दर्शन किया है तो मुझे कमेंट कीजिए, और
पूरी की पूरी आपको भाई वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा भाई यहाँ की मनोने धाम की। और मैं वैसे तो कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर, आप लोगों ने मेरे हर ब्लॉग देखा होगा। ये देख सकते हो पौड़ी है, यहाँ पे देख सकते हो स्टील की पौड़ी लगी हुई है और इसको ऊपर से देख सकते हो। मैं आपको भाई पूरा व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ का। ये पार्किंग स्थल है, यहाँ पे पार्किंग होती है, गाड़ी वगैरह जो बाइक पार्क करना होता है वो कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे देख सकते हो ये मनोना धाम लिखा हुआ है, आई लव मनोना धाम। इसमें होते हुए जाते हैं सब मंदिरों में दर्शन के लिए। ये देख सकते हो बोरा मैन मंदिर यहाँ से, और ये वाला जो नया मंदिर बन रहा है इसमें भाई देख सकते हो गणेश जी की कितनी बहुत ही ज़्यादा प्यारी मूर्ति बनी हुई है। और ये एलिफेंट की मूर्ति है, और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम चल रहा है। बहुत ही मतलब आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेकोरेट हो जाएगा ये, बहुत ही अच्छे तरीके से। काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे दान भी आता है, और भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे लग भी चुके हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हो मनोना धाम, आई लव मनोना धाम लिखा हुआ है, आई लव मनोना धाम। तो देख सकते हो हम यहाँ पे आ चुके हैं दूसरे वाले मतलब जो उस साइड से घूम के। ये देख सकते हो वो वाला मंदिर मैं अभी पूरा आपको दिखा दिया था, बाहर से ऐसा और अंदर से मैंने आपको दिखाई दिया था। यहाँ पे देख सकते हो भाई लोग आके फ़ोटो खींचते हैं यहाँ पे, इतनी मतलब प्यारी चीज़ है ये। लाइट रात में लाइट जलती है इसमें, और ये देख सकते हो इसमें। तो गाइज मैं आपको यहाँ का मेन जो है मंदिर में अभी दिखाता हूँ मैं मतलब किस तरह से इसमें जो है आप देख सकते हो कि जो है लोग भाई यहाँ पे इसमें ऐसे घूम के जाते हैं सीधा। यहाँ पे धागा तो भाई इतने कलावा इतने बंधे हुए हैं हद से ज़्यादा, और मतलब इधर से घूम के पूरा भाई यहाँ से कंट्रोल करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा घूम के आना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो लोगों को पूरे एक दो दो दिन हो जाते हैं। एकादशी पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, आप मुझे कमेंट करना, मैं एकादशी भी आपकी वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे। और देख सकते हो मतलब ये भाई जो भी लोग दर्शन करने जाते हैं उसका एंट्री गेट ये है, जो कि अंदर सजावट चल रही है उससे जो है एंट्री होती है, और यहाँ से जो है एक्सिट होते हैं। देख सकते हो अभी मंदिर में देख सकते हो अंदर बिल्कुल खाली मंदिर है, क्योंकि दोपहर का टाइम है। मैं आया था आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। ये देख सकते हो यहाँ पे जो कलावा वगैरह बांध रखे हैं भाई बस पे, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कि बांस है भी या नहीं, पूरा देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो गाइज मैंने अभी आपको पूरा मतलब फ्रेंड से भी दिखा दिया मतलब मंदिर जो मेन मंदिर था, मैंने जहाँ पे अभी दर्शन चलते हैं फिलहाल में मैंने वो पूरा आपको दिखा दिया। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई पीछे की साइड में, मतलब अभी मैंने दिखाई थी तो पीछे की साइड दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो वहाँ से मतलब प्रसाद चढ़ाने के बाद में लोग आते हैं जो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे जो आम का पेड़ है भाई, और इस पर देख रहे हो इतने सारे धागा बांध रखे हैं कि भाई टहलियाँ देख रहे हो ऐसे झुक गई हैं जैसे कि टूटी हुई हो, लेकिन टूटी हुई नहीं है, ऐसे बहुत बुरी तरीके से झुक गई हैं। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ पर कलाब वगैरह बांधते हैं, और ये भाई कुंड है। और यहाँ पर देख सकते हो अभी महंत जी का जो पीछे का वो है, इसमें महंत जी वो है वहाँ पे हैं, देख सकते हो अभी अंदर महंत जी हैं लेकिन बाहर नहीं है। मनोना इसमें जल वगैरह पड़ते हैं वहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं देख सकते हो। ये जो कुंडा भाई इसमें पानी जो जल इनका पड़ा हुआ है महंत जी का, और यहाँ पे लोग आते हैं अपने भाई, उनको कोई दिक्कत होती है तो भर के भी ले जाते हैं, वरना महंत जी से पढ़वा लेते हैं। एम्बुलेंस वगैरह सारी कुछ खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब वेट करते हैं यहाँ पे, और एम्बुलेंस से जो है मरीज वगैरह आते हैं पेशेंट जो भी हैं सही होने के लिए। तो यहाँ पे पता है मैंने आपको भाई पूरी पूरी जानकारी दे दी। और अभी देखा हूँ आपको दुकानों के बारे में भाई, यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं, और दुकानें देख रहे हो मतलब पूरे की पूरी भाई पूरी भरी हुई दुकानें हैं, कोई भी मतलब छोटी मोटी दुकानें नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना ना भूलें भाई, जय श्री खाटू श्याम तो लिखना ही लिखना है हर किसी को। तो आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस धाम की मनोना धाम की जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो, और वो भी आके दर्शन करें यहाँ पे।
तो आप लोग मुझे कमेंट करना, और मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।